रामसी सर्स विजन इज़ सो क्लियर एंड जैसे कि हमने ये बताया है एंड ये मतलब मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी ये सोच के कि 5 साल एक इंसान ने एक स्क्रिप्ट पे लगाया है. सो इमेजिन द पैशन दैट ही हैज़ फॉर इट. एंड मुझे मेरा किरदार मेरे किरदार का नाम सारा है, मुझे बहुत पसंद आया था. और मास महाराजा के साथ काम करने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा. सो आई थिंक आई जस्ट वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस स्क्रिप्ट जिसमें मैं परफॉर्म कर पाऊँ और कमर्शियल भी कुछ हो उसमें. सो मुझे दोनों दिया सर ने एंड थैंक यू सो मच. So in a way, the south director, Mr. Vamsi, has trained you well enough. That you have to ask him. Would you like to add something, Ma'am Vamsi? How was she? How was she on shoot, set? Yeah, of course. Do you know or you don't know? I'm just asking like that. She's really good, actually. You know, like she's very spontaneous. Mm-hmm. I mean, she's not like an actor who can think and learn lines. No, she's not like that. She just gets the line and come to the set, and then whatever I say, or if she comes in, if I say something like that, she just gives a spontaneous, she believes on spontaneous acting. So, and she has a not one, two, she can give me three variations, 3 to 4 variations. That was there with her. Love so, you, sir. Yeah. Ravi Garu. That's called a legend. Who can give you Ravi Garu, expressions? Oh, Ravi Garu. You have mouthed a very difficult language in Hindi. How was it possible, you know? What lessons, who taught you? No, actually. Bagu mouth chesindi. Come again? Bagu, dialogues, Bagu mouth Baga matlederu. Baga matlederu. Bagu matlederu. Yem cheptavu? Garu, yem cheptavu? अलग से एक जगह कॉफी पी के बैठ जाओ और एक दूसरे से बात कर लो. नहीं नहीं बताइए ना. देखा नहीं मतलब I tried something tough language. Yeah, what Audha, it's Audha language. Yeah, yeah, it's very tough. Yeah, so that's what I tried. So I hope कि आपको अच्छा लगेगा. Thank you. Thank you. Sir actually lived in north, so he is very good at Hindi. That's why. Hey. दिव्यांश फ्रॉम इंडिया पॉडकास्ट. सो मेरा मेन क्वेश्चन है वो गायत्री जी के लिए है कि लाइक या सो लाइक फ्रॉम ढिंडोरा टू टाइगर आई हैव सीन कि आप बहुत दूर तक आ गए, होपफुली आप इससे आगे जाएं, लेकिन उस फील्ड से इस फील्ड लाइक बेसिकली बोथ आर डिफरेंट. सो इस लाइक लिविंग लेजेंड्स के साथ काम कर रहे हो आप, लेजेंड्स के साथ सर अनुपम जी, तेजा जी. सो कैसा लाइक फील है और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इन लोगों से या इस मूवी से? एक्चुअली मुझे ऑनेस्टली बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये स्टेज शेयर कर रही हूँ इतने लेजेंड्स के साथ. एंड नो वी डोंट हैव वन, वी हैव मल्टीपल लेजेंड्स ऑन दिस स्टेज सर ऑनेस्टली. एंड जैसा कि आपने बोला मेरा जर्नी ढिंडोरा से शुरू हुआ था. पहली बात तो मुझे ये भी नहीं लगा था कि ढिंडोरा वुड बी सच अ बिग सक्सेस एज मच एज इट वॉज, बिकॉज यू नो एज एन एक्टर ऑल यू कैन डू इज़ परफॉर्म टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी, वट एवर यू कैन, एंड एज ऑथेंटिकली एज पॉसिबल. सो आई फील लाइक दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई हैव ट्राइड टू डू इन दिस फिल्म ऑल्सो. आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल फॉर अ होल ईयर फॉर दिस फिल्म, एंड ऑफकोर्स आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट. आई वुड लाइफ आई से दैट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड I hope things change for me going further also, and I hope that I get to work with more and more, legends as there are in the industry. I really want to go, all the way to the top. Who doesn't? So yeah, I'm really expecting great things. Good afternoon, Jishu sir. Straight. Hi. Good afternoon. My name is Vijayalakshmi, and actually, मैं अभी अपने कलीग से डिस्कस कर रही थी कि आप और मुरली शर्मा सर जो दो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दोनों में काफ़ी काम किया है. मैं जस्ट स्टार्ट किया, मुरली जी, मुरली शर्मा इज अ लेजेंड, अगेन लेजेंड इन बोथ द इंडस्ट्रीज. तो एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आपके हिसाब से एक आउटस्टैंडिंग फैक्टर जो कॉमन है और एक आउटस्टैंडिंग फैक्टर जो आपको लगा कि दोनों इंडस्ट्रीज को अलग करती है एक दूसरे से काम करने के तरीके में. आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ बंगाली इंडस्ट्री, फ्रॉम बंगाल, सो उसको भी ऐड कर लेता हूँ.
इट इज प्रोफेशनलिज्म है सब इंडस्ट्रीज में, ये नहीं कि हिंदी में नहीं है, तेलुगु में है, तेलुगु में नहीं है, हिंदी में है. इट इज द फैक्टर इज अबाउट द मनी पार्ट. वी मेक फिल्म्स विद इन 4-5 crores. That comes here in Hindi, which is average films, I'm saying about in between 25 to 50 crores. Again, coming to Telugu, it is probably, I don't know, 20 to 80 crores is the average, or maybe 100 crores. So it is professional. Everyone is professional out here. It is not that, you know, ek cheez yahan pe outstanding hai, wahan pe dusri cheez outstanding hai. No. The difference is language, again, what Anupam sir said right now. Now we are becoming, so I believe that I'm an Indian actor. I'm not a Bengali actor or a Hindi actor or a Telugu actor. Yahan pe hum log jitne bhi hai, and also, yeah, he just mentioned also, which is true. This is not a pan-India film. This is an Indian film. This is what we are looking for. This is what we live for. And thanks to the kind of films which are happening right now, you need a Bengali actor from East. You need a North Indian actor from North. You need a Marathi actor, probably in a Telugu film, from Maharashtra. And you need a Tamilian guy probably a Hindi film. So this is a Indian film. Let's call it an Indian industry, not a Hindi or a Telugu or a Tamil. Kya hota hai? Hum logo bhi acha lagta hai. You know, I'm into this industry for the last 26 years. I was being called as a Bengali actor. And I've traveled the world with my films, with the kind of films which I've done back in Bengal. So I've traveled the world, but phir bhi, it's a Bengali film at the end of the day. Not a Hindi, not a Telugu, not a Tamil, or any other languages. But right now, as we speak, this film, it's an Indian film. So that's about it. All right, ladies and gentlemen, we'll take two more just questions, one okay? More question. Do aur sawal lete hain. Hello, sir. Right here, this, sir. Hi. Just wanted to say something. Hi, Ravi sir. Hi. So you know, I used to stay in Hyderabad in a hostel. You know, and your name is Ravi Teja, right? So in the deaf community, we have a sign name for you. Because in the deaf community, there's so many people who used to love watching your movie. And now your movie is coming in the Hindi cinema. So I'm very happy to see this movie, especially in Indian Sign Language. And for the first time, I'm so happy that I'm getting full accessibility. And I really hope that your next movies are too in Indian Sign Language. Would that be a possibility, sir? Sure. Sure. Thank you so much, sir. And I really want you to say yes for all your movies. I do not want to hear no from you. I'm so happy to be watching a movie with hearing people, you know, for the first time. I'm so happy. Thank you. Thank you. All right. We'll take two more questions. Ji. Hello, Ravi sir. Ravi sir, Prabhat from Filmi Gyan. Ji, sir. Prabhat ji. I want to ask, South stars, you or majority of the South stars have godly image in South industry, among the South people. Why the North stars, there are big stars... Abhi to decide kiya ki humne South, North band karna hai. Aap Indian actor bolo. Indian actors. We all Indian actors. Haan, ye band karo abhi ye bas. I think... It's high time we should call ourselves Indian actors. Khatam ho gaya. Inme se kisi ki bhi Hindi sunkar aapko laga ki ye South se hain ya udhar se hain, idhar se hain. Ye prove karke aaye, bahut mehnat karke aaye, kitni Hindi mein itni achhi tarah baat ki hai. Thank you so much. Okay, last question. Namaskar. Sir ne keh diya. Bhook lagi hai, 3 baj gaye. Kitne baj gaye? 3:15 mar gaya main. Chalo. Dekho, either you get a mauka to scream now or I'll go for the photo op. Yeah, I will. Wait. Shanti, aa raha hu. Ye do question. We'll take. Don't worry. शांत हो जाओ, ओ शांत हो जाओ। इतना प्यार। इकड़ा। साइलेंस। अब बताओ, अब क्वेश्चन पूछो। स्पीड टॉलीवुड में जी, अभी हिंदी में बात करूँगा क्योंकि बॉम्बे में है। सो आपका फेवरेट एक्टर, हम लोग को सबको पता है कि द बिग बी है अमिताभ बच्चन सर। आपने डॉन सीनू में भी उनका ये किया है और वेंकी में भी आपने उनका गाना गाया है। सो एक आप उनका डायलॉग बोल दीजिए। अरे
नहीं यार क्या बात है, कहाँ होगा टाइगर नागेश्वर राव के डायलॉग की बात कर रहे हैं, तुमने धोखा दे दिया यहाँ पे. मैं उनका फेवरेट बिग बी की बात कर रहा हूँ. आपका क्या नाम? अलग से पैसे लगे आपके. चलो होके फोटो खिंचाएं. थैंक यू सो मच. तुमको तो भूख लगती नहीं.